वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया में सिचुएटेड हैं अब ये तीस से ज्यादा साइट्स हैं तो इन्हें याद रखना मुश्किल काम हो सकता है सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू विजिट दीज साइट्स नॉट फिजिकली बट थ्रू द इमेजेस हम विजुअल मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये थर्टी प्लस साइट्स हमें लंबे समय तक याद रहें लेट अस सी बाय एन एग्जांपल हम कैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को विजिट करेंगे उन्हें देखेंगे ताकि वो हमें याद रहें सो इफ वी आर डिस्कसिंग द हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान तो हम सिर्फ उनके नाम और उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे लाइक like यहाँ पे कुछ छह मेजेस्टिक हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान का जिक्र है तो हम इनके नाम पढ़ेंगे वी विल रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट दैम बीस किलोमीटर्स तक का इनका सर्कम था एंड दे व एक्सटेंसिव वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर एज वेल तो हम क्विकली कुछ इमेजेस देखेंगे लाइक like चित्तौड़गढ़ फोर्ट की इस फोर्ट की इनके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की ताकि हमें याद रहे नाउ दिस इज़ अ वेरी इजी एग्जांपल ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट को याद रखना मुश्किल नहीं है बट देर आर मेनी साउथ इंडियन टेम्पल्स डिफरेंट नेशनल पार्क उन सभी को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट दिस वीडियो इस तरीके से हम याद भी करेंगे और पढ़ेंगे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को इसके अलावा हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम कुछ जानेंगे यूनेस्को के बारे में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के बारे में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं और कुछ साइट्स को ऐसे रिकगनाइज करने की क्या जरूरत हुई और वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिलने से कंट्री को उस साइट को क्या फायदा होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को ब्रीफली डिस्कस करके हम मूव ऑन करेंगे सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की ओर जितनी भी इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 2020 में हम सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट एजुकेटेड अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया रिकॉगनाइज बाई यूनेस्को फर्स्ट थिंग वॉट इज यूनेस्को यूनेस्को और द यूनाइटेड एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम रन करती है और उसके तहत कुछ साइट्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रिकॉगनाइज किया जाता है सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दिस इज अ लिस्ट ऑफ साइट्स मेंटेन्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी अब इन साइट्स को प्रोटेक्ट करने की इनको प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है क्यों ऐसा एक इंटरनेशनल एफर्ट किया जा रहा है कि इन साइट्स को नुकसान ना हो उसका कारण है कि ये सभी साइट्स जिनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिलता है ये कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज के लिए दुनिया के लिए सो ऑल दीज हैविंग एक्सट्रीम कल्चरल सिग्निफिकेंस और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट ने एक डैम बनाने का प्लान किया ये डैम था आसवान हाई डैम और ये डैम बनाया जाना था नाइल नदी पे नाइल नदी की जो वैली है वो कल्चरली बहुत सिग्निफिकेंट है इसी एरिया में एंशियट सिविलाईजेशन रह चुकी हैं और उनके बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स वगैरह उस एरिया में हैं तो अगर डैम बनाया जाता उस नदी पे तो ये सभी मॉन्यूमेंट्स डूब जाते तो गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट ने यूनेस्को को ये रिक्वेस्ट की कि यूनेस्को उनकी मदद करे इन मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए और यूनेस्को ने एक इंटरनेशनल कैंपेन लॉन्च किया और इन साइट्स को रिलोकेट किया गया इनको बचाया गया इनको प्रिजर्व किया गया दुनिया के डिफरेंट एरियाज में ऐसी ही कल्चरल हेरिटेज साइट्स को अलग अलग खतरे थे तो डिफरेंट कंट्रीज ने ये रिक्वेस्ट करनी स्टार्ट कर दी यूनेस्को को फॉर एग्जाम्पल मोहनजदारो पाकिस्तान में उसको प्रिजर्व किया जाए सिमिलरली बोरोबोदुरपल इन इंडोनेशिया उसको प्रिजर्व किया जाए और इनको किया भी गया यूनेस्को ने कैंपेन्स लॉन्च किए और इन कल्चरल साइट्स को बचाया गया हमारी हेरिटेज साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमें अभी रिसेंट ईयर्स में देखने को भी मिला जब 2001 में तालिबान ने बुद्धाज ऑफ बामिया स्टैचूज को उड़ा दिया ये सिक्स सेंचुरी में बनाए गए स्टैचूज थे और ये गांधारा आर्ट को रिप्रेजेंट करते थे अफगानिस्तान में बुद्धिज़्म की हिस्ट्री का भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स थे बट 2001 में इनको तालिबान ने उड़ा दिया उस टाइम पे वर्ल्ड इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी सो दिस इज एन एग्जाम्पल हाउ अ सिक्स सेंचुरी सी ई मोन्यूमेंट वॉज ब्लोन अप फॉर एवर लेकिन दुनिया को ये टाइमली रियलाइज हो चुका था कि वर्ल्ड हेरिटेज को बचाने की जरूरत है और इसीलिए 1972 में वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को साइन किया गया और इस कन्वेंशन का प्राइमरी मिशन था दुनिया की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को बचाना द आइडिया बिहाइंड दिस कन्वेंशन इज दट आर सो इंपॉर्टेंट दैट प्रिजर्विंग दम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल वर्ल्ड ताकि आने वाली जनरेशन भी अपनी हिस्ट्री को अपनी हेरिटेज को जान सकें इस कन्वेंशन को गवर्न करती है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो यूनेस्को की एक कमेटी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर सेक्रेटेरिएट है इस कन्वेंशन का 193 कंट्रीज इस कन्वेंशन का हिस्सा है नाउ लेट अस नो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ साइनिंग और बीइंग पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन तो कंट्रीज को क्या फायदा होता है द फर्स्ट बेनिफिट इज एक्सेस टू वर्ल्ड हेरिटेज फंड यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज फंड है और वो यूज किया जाता है हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए तो अगर कंट्रीज इस कन्वेंशन को साइन करती हैं सो दे कैन एक्सेस टू दिस वर्ल्ड हेरिटेज फंड और हर साल करीब चार मिलियन यूएस डॉलर्स स्पेंड किए जाते हैं इन हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए इनको प्रमोट करने के लिए तो कंट्रीज के बीच में आपस में एक कॉम्पिटिशन भी होगा कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग लेना चाहेंगी अपनी कंट्रीज में सिचुएटेड डिफरेंट कल्चरल साइट्स के लिए नेक्स्ट बेनिफिट इज कि अगर किसी कल्चरल साइट को किसी पुरानी साइट को ह्यूमन मेड या नेचुरल डिजास्टर से कुछ खतरा होता है तो एमरजेंसी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यूनेस्को उन कंट्रीज को जो इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कन्वेंशन इज कि अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट खतरे में है तो नेशनल और इंटरनेशनल कम्युनिटी फोकस करेगी उस साइट को बचाने के लिए एंड फाइनली द बेनिफिट इज रिलेटेड टू टूरिज्म इंडस्ट्री अगर कुछ साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे होंगी तो उस उसपे ज्यादा टूरिस्ट विजिट करेंगे तो अगर कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया विजिट कर रहे हैं तो दे विल सर्च फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड दे विल डेफिनेटली नॉट मिस एटलीस्ट दीज साइट्स तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग टूरिज्म प्रमोट करने में भी कंट्रीज को हेल्प करता है नाउ मूविंग ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट दुनिया भर में ग्यारह वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और ये नंबर बढ़ता रहेगा क्योंकि कंट्रीज अप्लाई करती रहेंगी इंडिया की भी एक टेंटेटिव लिस्ट है जो इंडिया चाहता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर की जाएं और इस लिस्ट में मॉन्यूमेंट्स ऑफ मांडू हैं दरबार साहेब गोल्डन टेंपल है तो ये लिस्ट लंबी होती रहेगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तीन कैटेगरीज हैं ये साइट्स नेचुरल साइट्स हो सकती हैं कल्चरल साइट्स हो सकती हैं या फिर मिक्स्ड साइट हो सकती हैं मिक्स्ड साइट का मतलब है अगर कोई साइट नेचुरल फीचर्स भी रखती है और कल्चरली भी इंपॉर्टेंट है तो उसको मिक्स्ड साइट में कैटेगराइज किया जाएगा दुनिया भर में ग्यारह साइट हैं और उनमें से 869 कल्चरल साइट्स हैं 213 नेचुरल साइट्स हैं एंड 39 आर मिक्स्ड साइट्स तो सबसे ज्यादा कल्चरल साइट्स हैं दुनिया में भी और इंडिया में भी किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो इसका आंसर है चाइना और इटली बोथ दीज कंट्रीज आर हैविंग 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और इंडिया में है 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से 30 हैं कल्चरल साइट्स सात हैं नेचुरल साइट्स और एक है मिक्स्ड साइट नाउ फाइनली हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को डिटेल में डिस्कस करना और हम स्टार्ट करेंगे कल्चरल साइट से तो तीस कल्चरल साइट्स हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग ऑल दीज कल्चरल साइट्स फर्स्ट पहली साइड जो हम डिस्कस करेंगे वो है आगरा फोर्ट ताजमहल के पास आगरा में इन उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया आगरा फोर्ट सिचुएटेड है ये सिक्सटीन सेंचुरी मुगल मॉन्यूमेंट है जिसको रेड फोर्ट ऑफ आगरा भी कहा जाता है आगरा का लाल किला रेड सैंडस्टोन में बना है दैट इज वाई इसको भी लाल किला कहा जाता है लेकिन आगरा का इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई थी मुगल एम्पर अकबर ने और इसमें लेटर मुगल एम्पर जहांगीर शाहजहां ने भी कुछ एडिशंस करवाई आगरा कुछ सालों तक मुगल रूलर्स का रेजिडेंस भी रहा और कुछ सालों के लिए आगरा मुगल कैपिटल भी था इससे पहले आगरा लोधी डायनेस्टी का भी कैपिटल सिटी था सो दिस सिटी इज हैविंग अ लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड एज अ रिजल्ट मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एज वेल आगरा फोर्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं लाइक जहांगीर पैलेस खास महल शीश महल ऑडियंस हॉल्स हैं लाइक दीवाने खास और दो मस्जिद हैं जंजीर अदल स्पॉट है जहां पे जंजीर अदल इंस्टॉल करवाई थी जहांगीर ने दिस वॉज द चेन ऑफ जस्टिस मुगल एम्प्र जहांगीर ने ये इंस्टॉल करवाई थी ताकि अगर किसी सब्जेक्ट को राज में रह रहे किसी भी व्यक्ति को कुछ शिकायत है तो वो यहाँ पे आके इस चेन को हिला सकता है और जहांगीर को पता लग जाएगा कि देर आर समीविन अमंग द पीपल आगरा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर एंड सो इज आगरा फोर्ट और 1983 में आगरा फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला था और ये है रेड ऑफ़ आगरा बिल्ट इन रेड रेड सैंडस्टोन इट लुक्स लाइक द दैट फोर्ट ऑफ अजंता इन अजंता केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं और ये एंशियंट मनेस्ट्रीज और वर्शिप हॉल्स थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए रहा करते थे इन केवर कुछ पेंटिंग्स हैं जो बुद्धा की पास लाइफ रीबर्थ की स्टोरीज डिपेक्ट करती है. Different Buddhist हैं डिफरेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसमें बुद्धा की पास लाइफ के बारे में कहानियां हैं उनके रीबर्थ कैसे हुए इनके बारे में माइथोलॉजिकल कहानियां हैं तो ये केव उन सबको पेंटिंग्स में डिस्क्राइब करती हैं एंड देर आर रॉक कट स्कल्पर्स ऑफ बुद्धिस्ट डाइटीजैट यू हैव ऑलरेडी सीन कुछ मूर्तियां हैं जो पत्थर काट के बनाई गई हैं दैट इज इज दे आर नोन एज रॉक कट दिस द आउटसाइड व्यू ऑफ अजंता इन बुद्धिस्ट केव्स की कंस्ट्रक्शन डिफरेंट फेजेस में हुई सबसे पहली कंस्ट्रक्शन करवाई गई एम्प्रोड अशोका द्वारा और ये हुई सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में फिफ्थ और सिक्स सेंचुरी एडी में यानी गुप्ता पीरियड के दौरान कुछ और केव्स ऐड की गई पेंटिंग्स एंड स्कल्पर्स ऑफ अजंता दे आर कंसिडर्ड एज और ये भी उन पहली साइट्स में थी जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला यूनेस्को से अजंता केव्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी 1983 में और नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एलोरा केव्स यहाँ पे याद रखने वाली चीज है कि अजंता केव्स सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स थी बट एलोरा केव्स दीज बिलोंग टू हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म करीब दो किलोमीटर लंबी इन केव्स में चौंतीस मनेस्ट्रीज हैं टेम्पल्स हैं और इनको एक हाई बसाल्ट क्लिफ में काट के बनाया गया था टाइप ऑफ रॉक। महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड हैं और इन केव्स को 600 हंड्रेड एडी और 1000 थाउजेंड एडी के बीच में कंस्ट्रक्ट किया गया नाउ हाउ वर कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग इन अ वॉल ऑफ हाई बसालस इमेज मेक्स इट वेरी क्लियर दिस इज द बसाल्ट रॉक और इसमें खुदाई करके इन केव्स को बनाया गया है नाउ अलोंग विद एजंता केव्स एलोरा केव्स अनदर इंपॉर्टेंट केव्स इन इंडिया आर एलिफेंटा केव्स एलिफेंटा केव्स मुंबई के पास एक आइलैंड सिचुएटेड है जिसको गढ़पुरी भी कहा जाता है गढ़पुरी मीन्स सिटी ऑफ केव्स इस आइलैंड के ऊपर एलिफेंटा केव्स सिचुएटेड हैं और ये केव्स हिंदुइज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं एलोराव देवर रिलेटेड और जैनिज्म एलिफेंटा केव रिलेटेड है हिंदुजम से और बुद्धिज्म से दिस इज द इन साइड ऑफ एलिफेंटा केव और ये एक्सटीरियर व्यू है एलिफेंटा केवस का यू कैन सी कैसे एक पहाड़ी में खोद के इन केवस को बनाया जाता था नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड है बिहार में और ये है नालंदा महाविहारा नालंदा एक मोनास्टिक और स्कोलिस्टिक इंस्टीट्यूशन था सो इट एन एजुकेशन हब एंड इट वॉज अस्ट्री और इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉगनाइज किया गया है एंड ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थर्ड सेंचुरी बी सी से लेके थर्टींथ सेंचुरी सीई तक के पीरियड को बिलोंग करते हैं इनमें कुछ स्तूपाज शामिल हैं कुछ श्राइन्स हैं कुछ विहाराज हैं विहाराज आधर रेजिडेंशियल एंड एजुकेशनल बिल्डिंग्स बुद्धिज्म में चैत्याज और बिहाराज दो तरह की बिल्डिंग्स हैं विहाराज आर द रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और चैत्याज हैं प्रेयर हॉल्स नालंदा इज द मोस्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और करीब 800 सालों के लिए अनुटरप्टेड नॉलेज ट्रांसमिशन का एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम नालंदा महाविहारा में हुआ एंड ये रिमेन्स हैं ये कुछ आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हैं नालंदा महाविहारा के नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज सांची बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स Now, इसमें हम सिर्फ सांची स्तूपा की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स की सांची इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश एंड इन ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें स्तूपाज हैं इसमें पिलर्स हैं इसमें पैलेसेस हैं टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज के रिमेन्स भी हैं एंड ऑल ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ कंजर्वेशन इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छी कंडीशन में है और कुछ बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है कुछ के बहुत थोड़े हिस्से रह गए हैं दीज ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बी सी और ट्वेल्थ सेंचुरी ए डी तक ये एक मेजर बुद्धिस्ट सेंटर था तो ये है सांची के बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स यू कैन सी द स्तूपा हेर यू कैन सी द दिल्लर द रेलिंग एंड द स्कल्पचर एज वेल तो ये सभी चीजें इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड हैं नेक्स्ट साइट इज अ रिसेंट एंट्री टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट और ये है चंपानेर पावागढ़ आर्क्योलॉजिकल पार्क ये एक पूरा पार्क है तो इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे रिमेन्स इंक्लूडेड हैं ये पार्क सिचुएटेड है गुजरात की पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में और इस आर्क्योलॉजिकल पार्क में डिफरेंट टाइम पीरियड्स में बनाए गए डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडेड हैं सो दे आर अ कंसनट्रेशन ऑफ लार्जली अनएक्सकेटेड आर्क्योलॉजिकल हिस्टोरिकल एंड लिविंग कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टीज विच इंक्लूड प्री हिस्टोरिक साइट प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट होते हैं यहाँ के रिमेन्स यहाँ पे एक किला है हिल फोर्ट्रेस ऑफ एन अर्ली हिंदू कैपिटल और कुछ रिमेन्स हैं जो सिक्सटीन सेंचुरी को बिलोंग करते हैं वॉट एल्स इज इंक्लूडेड इन दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट देर आर वेस्टिजियस कुछ बचे कुछ हिस्से फोर्टिफिकेशन हैं पैलेसेज हैं रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं कुछ टेम्पल्स हैं रेजिडेंशियल रिमेन्स हैं एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर्स हैं वाटर इंस्टॉलेशन हैं एंड ऑल दीज बिलोंग फ्रॉम एथ टू फोर्टीन सेंचुरी कालिका माता टेम्पल और एक जैन टेम्पल पावागढ़ हिल पर सिचुएटेड है और ये एक पॉपुलर पिलग्रमेज भी है हिंदू और जैन लोगों के लिए एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट दिस साइट इज द ओनली कम्पलीट एंड अनचेंज्ड प्री मुगल सिटी तो मुगल पीरियड से पहले बनाई गई ये एक ऐसी सिटी है जो अभी तक अनचेंज है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए दीज आर द इमेजेस ऑफ दिस आर्कोलॉजिकल पार्क इस तरह की बिल्डिंग्स यहां पे सिचुएटेड हैं दीज काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड दीज आर हंड्रेड ऑफ इयर्स ओल्ड नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इट इज अ रेलवे स्टेशन इससे पहले इसे विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन कहा जाता था एंड नाउ इट इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर बट दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इट इज मिक्सड विद इंडियन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और दोनों का मिक्सचर इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का और विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में हमें दिखता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को डिजाइन किया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट एफ डब्ल्यू स्टीव ने 1878 में इसका निर्माण शुरू हुआ और करीब 10 साल लगे इसे बनने में इट इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मीटिंग ऑफ टू कल्चर्स एज आई टोल्ड यू ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल और इंडियन क्राफ्ट्समैन इस पे काम कर रहे थे तो उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन को भी इसमें कुछ हद तक इंट्रोड्यूस किया ये सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी है एंड इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया इसे खोला गया था क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करते हुए 1887 में दैट इज वाई इसका नाम भी था विक्टोरिया टर्मिनस यहाँ पे आप देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस दिस इज हाउ इट लुक्स दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर इज व्हाट वी कॉल विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर और ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस लिट इन द ट्राई कलर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा गोवा इज नॉट ओनली फेमस फॉर इट्स बीचेस इट इज ऑल्सो फेमस फॉर द चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स बिल्ट बाय पोर्टुगीज इंडिया को रूल करने के लिए सिर्फ ब्रिटिश नहीं आए पॉर्टगीज़ फ्रेंच और भी बहुत सारी यूरोपियन पावर्स ने कोशिश की इंडिया को रूल करने की और पॉर्टगीज़ एफर्ट्स जो थे वो हेडकोर्टर थे गोवा से गोवा उनकी कैपिटल थी तो अपनी कैपिटल सिटी में पॉर्टगीज़ ने कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए कुछ चर्चेज़ बनाए फॉर एग्जाम्पल द चर्च ऑफ बॉम जीजस ये चर्च काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर के रेलिक्स हैं उनके रिमेन्स हैं जिन चर्चेज और कॉन्वेंट्स को जिन बिल्डिंग्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है वो ज्यादातर ओल्ड गोवा में है और विला गोवा भी उसे कहा जाता है पोर्टगीज ने गोवा में करीब 60 चर्च बनाए थे उनमें से कुछ ही रिमेनिंग है जो अब भी सर्वाइव करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ द चर्चेज विच इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज द सिटी ऑफ विक्ट्री और फतेहपुर सीकरी सिक्सटीन सेंचुरी में मुगल एम्पर अकबर ने इस शहर को बसाया बट ये मुगल कैपिटल रह पाई सिर्फ 10 सालों के लिए 10 साल कैपिटल रहने के बाद फतेहपुर सीकरी को अबेंडन करना पड़ा उसके कारण थे लैक ऑफ वॉटर पानी की कमी एंड अनरेस्ट इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कुछ अनरेस्ट थी और फतेहपुर सीकरी नॉर्थ वेस्ट एरिया से जहां पे अनरेस्ट थी उससे बहुत दूर था अब फतेहपुर सीकरी शहर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में है दिस इंक्लूड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया जामा मस्जिद पंचमहल बुलंद दरवाजा टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती एंड मैनी अदर मोन्यूमेंट्स ये कुछ मोन्यूमेंट्स हैं फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाजा है दिस इज दीवाने खास इन फतेहपुर सीकरी और ये है पंचमहल तो ये सभी मॉन्यूमेंट्स हैं फतेहपुर सीकरी में जो शहर बनाया था मुगल एम्पर अकबर ने जिसको दस साल बाद छोड़ना पड़ा लेट्स मूव टू साउथ इंडिया नाउ साउथ इंडिया में बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं एंड द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस चोला Chola Chola, एक साउथ इंडिया का बहुत बड़ा एम्पायर था साउथ इंडिया के बहुत सारे रीजन में चोला एम्पायर ने रूल किया बट जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड टेम्पल है so, ये कौन से टेंपल्स हैं बृहदीश्वर टेम्पल एट थंजावर बृहदीश्वर टेम्पल एट गंगा कोंडा चोलेस्वरम एंड तीसरा टेंपल है एरवतेश्वर टेंपल एट तारासुरम इन टेंपल्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग क्यों दिया गया यू कैन सी फॉर योर सेल्फ दिस इज द टेंपल ऑफ गंगाए कौंड चोलपुरम ये है बृहदीश्वर टेंपल थंजावर में यू कैन सी हाउ मैसिव दीज टेंपल्स आर ये ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पे और इनके मुकाबले ये कितने बड़े टेंपल्स हैं उस टाइम पे बनाए गए विद माइन्यूट आर्किटेक्चरल स्किल्स शोइंग हेयर एज वेल और ये है तीसरा ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल एरवेश्वर टेम्पल दारासुरा इमेजेस में सारा स्कल्पचर और आर्किटेक्चर नहीं आ पाता बट यू कैन स्टिल सी द स्कल्पचर द स्मॉल आइडल्स मेड द आर्ट वर्क दैट हैज डन ये एक चैरियट है एक रथ है बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स जो हैं वो एक रथ के रूप में हैं और काफी बार ये सारा स्कल्पचर ये सारे आर्किटेक्चर ये कोई ना कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी डिपेक्ट करते हैं एक कहानी पे बेस्ड होते हैं सो दीज आर ग्रेट चोला टेम्पल्स आर गोइंग टू डिस्कस दीज आर द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी हम्पी है कर्नाटका में और हम्पी कैपिटल था विजयनगर किंगडम का विजयनगर वॉज अ लास्ट ग्रेट हिंदू किंगडम इन साउथ इंडिया और विजयनगर के प्रिंसेस ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए एंड दीज आर नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एज दीज आर ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स टेम्पल्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूडेड है इन दिटी ऑफ हम्पी देर आर सिक्स हंड्रेड सरवाइविंग मॉन्यूमेंट्स और इनमें कुछ फोर्ट्स हैं कुछ रिवर साइड स्ट्रक्चर हैं कुछ रॉयल कंप्लेक्सेस हैं टेम्पल्स हैं श्राइन्स पिलर्ड हॉल्स मंडपाज मेमोरियल स्ट्रक्चर गेटवे डिफेंस चेक पोस्ट स्टेबल्स वॉटर स्ट्रक्चर ये सभी चीजें ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में इंक्लूडेड हैं आर काइंड ऑफ हॉल्स फॉर पब्लिक रिचुअल्स इन इंडियन टेम्पल्स ये सभी मॉन्यूमेंट्स द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए गए हैं एंड विजयनगर एम्पायर में द्रविडियन आर्किटेक्चर फ्लरिश किया ये है वीरूपक्ष टेम्पल हम्पी का और ये है एक वाटर स्ट्रक्चर वाटर कंजर्वेशन के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्स बनवाए गए हम्पी में नेक्स्ट है हम्पी का विठल टेम्पल दिस इज अठल टेम्पल यू कैन सी द स्कल्पचर है सो दीज आर द ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी सिचुएटेड इन कर्नाटका नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम ये मोन्यूमेंट्स बनवाए थे पल्लव किंग्स ने सेवंथ और एथ सेंचुरी में और ये सिचुएटेड है इंडिया की कोरोमंडल कोस्ट में महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स में रथ की तरह बने हुए टेम्पल्स हैं मंडपाज हैं जाइंट ओपन एयर रिलीफ्स हैं कुछ ऐसे स्कल्पचर्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े रिलीफ स्कल्पचर्स हैं लाइक द डिसेंट ऑफ गेंजेस डिसेंट ऑफ गेंजेस और अर्जुनाज पेनेंस ये डिपिक्ट करती है माथोलॉजिकल स्टोरी कैसे गंगा नदी हेवन से धरती पर आई एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ओपन एयर रिलीफ इन द वर्ल्ड इट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स ये है डिसेंट ऑफ द गेंजेस इन सभी स्कल्पचर्स में एक स्टोरी है कैसे गंगा नदी धरती पर आई दीज आर द ने 7th और 8th में. इंडिया में दो फेमस आर्किटेक्चर स्टाइल थे मंदिर बनाने के इन दॉन इंडिया इट वॉज नगरा एंड इन द साउद चालुक्या डायनेस्टी ने पत्ता डॉन्यूमेंट्स को बनाने के लिए इन दोनों का मिक्सचर अडॉप्ट किया सो इट इज अर्मोनियस ब्लैंड ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज सदर्न इंडिया द नगरा स्टाइल एंड द्रविड स्टाइल पत्ताडक्ल में हिंदू और जैन टेम्पल है और ये ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट है लेकिन एक मास्टर पीस टेम्पल है टेम्पल ऑफ वीरूपक्ष ये टेम्पल बनवाया था सात सौ चालीस एडी में क्वीन लोक महादेवी ने जब उनके हसबेंड विक्रमादित्य सेकेंड जीते पल्वा किंग्स के साथ एक लड़ाई में एक वीरूपक्ष टेम्पल हम्पी में भी है दैट इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट

एंड दीज फोर्ट्स आर चित्तौड़गढ़ कुंबलगढ़ सवाई माधोपुर झालावार जयपुर एंड जैसलमेर राजपूत वेरी पावरफुल इन राजस्थान फ्रॉम एट्थ सेंचुरी टू एटीन सेंचुरीज और इनकी पावर घटती बढ़ती रही लेकिन स्टिल ये सेंटर ऑफ पावर रहे राजस्थान में और कुछ फोर्ट्स जो इन राजपूत फैमिलीज ने बनाए वो इतने बड़े हैं कि इनका सर्कम्फ्रेंस बीस किलोमीटर तक का है इन फोर्ट्स के अंदर पूरा का पूरा शहर था इनके अंदर अर्बन सेंटर्स थे पैलेसेस थे ट्रेडिंग सेंटर्स थे मंदिर थे और कुछ मंदिर इतने पुराने हैं जो अभी सरवाइव करते हैं कि वो फोर्ट बनने से पहले के मंदिर हैं ये फोर्ट्स बनाए क्यों जा रहे थे बिकॉज राजपूत फेसिंग अ लॉट ऑफ अटैक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली तो नेचुरल डिफेंसिस लाइक हिल्स डेजर्ट्स रिवर्स डेंस फॉरेस्ट इन सबका इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए राजपूत फैमिलीज ने ये फोर्ट्स बनाए और इस एरिया में राजस्थान में पानी की कमी है तो अपने किंगडम्स को सस्टेन करने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए इन फोर्ट्स के अंदर बहुत बड़े वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी थे एंड दीज वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो बींग यूज टिल टूडे लाइक इन दिस चित्तौड़गढ़ फोर्ट दिस इज़ अ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर और और एक हाइट पे इस फोर्ट को बनाया गया है ताकि अगर अटैक हो तो इनको एक एडवांटेज रहे आमेर फोर्ट आम्बेर फोर्ट एक ही चीज है और ये जयपुर में लोकेटेड है एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये इसका वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है अगेन सिचुएटेड एट हाइट दिस इज अ जैसलमेर फोर्ट फ्रॉम राजस्थान वी गो टू गुजरात और गुजरात में अहमदाबाद सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है अभी रिसेंट ईयर में दिस सिटी वॉज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह इन फिफ्टीन सेंचुरी ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ साबरमती रिवर अहमदाबाद शहर में बहुत सारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं बिल्डिंग्स हैं लाइक भद्रा भद्राहटिटल वहाँ की दीवारें वहाँ के एंट्री गेट्स पुराने मस्जिद और मंदिर इनमें काफ़ी हिंदू और जैन टेम्पल्स शामिल हैं और जब से सुल्तान अहमद शाह ने गुजरात में अहमदाबाद को इस्टबलिश किया एज़ अ सिटी तब से ये गुजरात स्टेट की कैपिटल है फ्रॉम सिक्स हंड्रेड ईयर्स ऑलमोस्ट अहमदाबाद शहर एक मल्टी कल्चरल एग्जिस्टेंस का भी एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजनस के बिल्डिंग्स हैं इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचा हिंदुज़म इस्लाम बुद्धिज़म जैनिज़म क्रिस्टानिटी जोरोवेस्ट्रियनिज़म जुडाइजम इन सभी रिलीजन से रिलेटेड यहाँ पे इंस्टीट्यूशन हैं बिल्डिंग्स हैं एंड दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कल्चरल को एक्जिस्टेंस इन इंडिया ये है अहमदाबाद शहर का जामा मस्जिद नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है द वेरी फेमस हुमायूं स्टॉम्ब हमायूँ वॉज अ सेकेंड मुग़ल एम्पर इन इंडिया एंड ही वॉज अ फादर ऑफ मुगल एम्परयर अकबर हमायूं का मकबरा बना 1570 में और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहला गार्डन टॉम था यहीं से ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ गार्डन बना के उसके बीच में एक मकबरा बनाने का जहाँ पे मुगल एम्प्रयर्स को दफन किया जाएगा एंड हमायूं टॉम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज यहीं से शुरुआत हुई इस कल्चर की एंड द क्लाइमैक्स वॉज ताजमहल हुमायूं टॉम से शुरुआत होके सबसे खूबसूरत गार्डन टॉम बना ताजमहल सो so वी कैन से दैट हुमायूं के मकबरे ने ही इनडायरेक्टली ताजमहल को भी इंस्पायर किया हुयूंस गार्डन टॉम इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेट्री ऑफ द मुगल्स क्योंकि यहाँ पे डेढ़ सौ से ज्यादा मुगल फैमिली के मेम्बर्स दफन है एंड द आर्किटेक्चर ऑफ हमायूंस टॉम्ब वॉज डिजाइन बाई मिर्जा ग्याथ दिस हेयर इज द हमायूंस टॉम एंड यू कैन सी क्यों ऐसा कहा जाता है दैट दिस टॉम्ब इंस्पायर ताजमहल नेक्स्ट है सिटी ऑफ जयपुर दिस सिटी इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट राजस्थान के एक राजपूत इन्होंने जयपुर सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड अनलाइक द अदर सिटीज इन राजस्थान एंड इन दिस रीजन जो पहाड़ी इलाके में बनी है जयपुर इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन प्लेन और ये एक प्लान सिटी है and it was built according to the vedic architecture or grid pattern follow karti hai jaipur city that means streets 90 degrees ke angle pe establish ki gayi and there are markets there are shops residences temples jo bhi ek shahar mein hota hai and all these are built along the main street और ये सभी स्ट्रक्चर्स बाहर से देखने में एक जैसे लगते हैं ये प्लानिंग की गई थी जयपुर सिटी स्टैब्लिश करने के लिए और जैसा कि उस जमाने की सभी बिल्डिंग्स में हो रहा था ज्यादातर बिल्डिंग्स में हो रहा था देर इज अच्छर ऑफ प्लानिंग फ्रॉम एंशियंट हिंदू एंड अर्ली मॉडर्न मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इसी के साथ साथ कुछ वेस्टर्न डिजाइन को भी वेस्टर्न कल्चर्स को भी इंटेग्रेट किया गया जयपुर सिटी बनाते हुए एंड जयपुर वॉज डिक्लेयर वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेरी रिसेंटली दैट इज इन टू थाउजेंड नाइनटीन दिस इज एन इमेज ऑफ जयपुर सिटी यू कैन सी एक तरह से प्लान करके सभी बिल्डिंग्स को बनाया गया है एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी एंड सभी बिल्डिंग्स ज्यादातर बिल्डिंग्स का जो पेंट है वो भी एक जैसा है एंड मोस्ट ऑफ दीज बिल्डिंग्स आर पिंक दैट इज वाई पिंक सिटी नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स खजुराहो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में और ये मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे चंदीला डायनेस्टी द्वारा चंदीला डायनेस्टी ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे उनमें से करीब 20 टेंपल अब सरवाइव करते हैं एंड दीज टेंपल्स दे फॉल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट ग्रुप्स और ये मंदिर हिंदुइजम और जैनिज्म से रिलेटेड हैं इनमें से एक टेंपल है कांद्रिया महादेव का एंड यहाँ का स्कल्पचर इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंडियन आर्ट ये है कांदरिया महादेव टेम्पल एंड यहाँ का स्कल्पचर दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ इंडियन आर्ट नेक्स्ट हम चलेंगे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बिहार में बुद्धिज्म की जो चार सबसे पवित्र साइट्स हैं सबसे ज्यादा पूजनीय साइट्स हैं जहां पे उनका जन्म हुआ था जहां पे उनको एनलाइटनमेंट हुई थी जहां पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था एंड फाइनली जहां पे उनकी डेथ हुई थी इनमें से जहां पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी वो है बोध गया एंड उसी के आसपास जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है दैट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहला मंदिर बनाया गया था थर्ड सेंचुरी बीसी में एंड इट वॉज बिल्ट बाय एम्पर अशोका उसके बाद फिफ्थ और सिक्स सेंचुरीज ए में भी कुछ मॉन्यूमेंट्स बनाए गए कुछ मंदिर बनाए गए इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल बिल्ट एंटायरली इन ब्रिक एंड दैट हैज टिल नाउ महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर है अ 50 मीटर हाई टेम्पल एक वज्रासना है एक थ्रोन है जो ऐसा माना जाता है कि एम्पर अशोका ने वहां पे इंस्टॉल करवाया था देर इज द सेक्रेट बोधि ट्री जहां पे लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटनमेंट हुई थी and six other sacred sites and there are many stupas ancient stupas or mandir se bahar hai lotus pond opposite of all this there is a memorial to a hindu mahant ek hindu mahant the jo yahan pe 15th 16th centuries mein rahe unki memory mein ek memorial banaya gaya hai mahabodhi temple is the holiest buddhist pilgrimage in the world क्योंकि भगवान बुद्ध को enlightenment, उन्हें ज्ञान प्राप्त इस जगह पे हुआ था It is considered as अ cradle of Buddhism. हिस्ट्री ऑफ ये है बोध गया टेम्पल द फिफ्टी मीटर एनलाइटनमेंट हुई थी गौतम बुद्धा को अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है द माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया पहाड़ियों में बनाई गई रेलवे जो इंजीनियरिंग के नजरिए से अगर हम देखें तो बहुत मुश्किल चीज थी इंडिया के नॉर्थ साउथ और ईस्ट में तीन ऐसी रेलवेज हैं जो बहुत पुरानी है एंड अभी तक प्रिजर्व है और ऑपरेटिव भी हैं so the first one in these three railways which are known as the mountain railways of india and which are a world heritage site pahli head the himalayan railway it was the first and the most outstanding example of a hill passenger railway 1881 may and its design it applies bold engineering solutions to the problem of establishing an effective rail link across a mountainous terrain of great beauty एज ए टूल पहाड़ी इलाके में कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना काफ़ी एक मुश्किल काम था और इतने पुराने टाइम में नाइनटीन सेंचुरी में भी ऐसा किया गया सेकेंड माउंटेन रेलवे है नीलगिरी माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग रेलवे वॉज इन वेस्ट बेंगाल नीलगिरी माउंटेन रेलवे ऑपरेट करती है तमिलनाडु स्टेट में एंड ये स्टार्ट हुई थी उन्नीस में एंड फाइनली द लास्ट वन थर्ड वन इज कालका शिमला रेलवे इन हिमाचल प्रदेश और शिमला को बाकी एरिया से कनेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था एंड ये तीनों माउंटेन रेलवे ऑपरेशनल हैं एंड दिस इज व्हाट बोल्ड इंजीनियरिंग आर इस तरीके से बनाया गया और हिली एरियाज में भी माउंटेन रेलवे को चलाया गया नेक्स्ट इज द वेरी फेमस कुतुब मीनार कुतुब मीनार वॉज बिल्ट इन थर्टींथ सेंचुरी इन रेड सैंडस्टोन एंड इट इज सेवेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर हाई

इसके अलावा देर इज टॉम्ब ऑफ इतमे सो दिस इज ऑल अबाउट कुतुब मीनार एंड रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे डिफरेंट टाइम्स पे रिपेयर भी करवाया गया क्योंकि लाइटनिंग से कुतुब मीनार को बार बार नुकसान हो जाया करता था तो डिफरेंट रूलर्स ने अपने टाइम पे इस मीनार को रिपेयर करवाया अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है रानी की वाव गुजरात में रानी की वाव इट इज अ स्टेप वेल और इसका लिटरल मीनिंग है स्टेप वेल well. ये भी एक वाटर स्टोरेज आर्किटेक्चर है

दिस इज रानी की वाव अ स्टेप वेल एक कुआं है जो डिफरेंट स्टेप्स में डिफरेंट लेवल्स में नीचे जाता है एंड इट इज इन दम ऑफ इन्वर्टेड टेम्पल एंड दिस इज द स्कल्पचर यू कैन सी एट एवरी लेवल हर लेवल पे कुछ ना कुछ स्कल्पर है एंड इट वॉज यूज टू कलेक्ट वाटर एंड स्टोर वॉटर अगला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लाल किला द रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स और ये किला बनाया गया था मुगल कैपिटल के लिए फिफ्थ मुगल एम्पर शाहजहां ने एक नई कैपिटल सिटी बनाई एंड दिस वॉज नोन एज शाहजहानाबाद और इस नई कैपिटल शाहजहानाबाद का किला बनाया गया जो था लाल किला इट इट इज इज बिल्ट इन रेड दैट इज नोन एज रेड फोर्ट रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक और किला है इस किले का नाम है सलीमगढ़ एंड इट वॉज बिल्ट बाय इस्लाम शाह सूरी इन 1546 और ये किला भी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है एंड टुगेदर ऑल दीज मॉन्यूमेंट्स आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस्लाम शाहरी शेर शाह सूरी का एक बेटा था लाल किले के अंदर और भी काफी सारे मोन्यूमेंट्स हैं लाइक देर आर प्राइवेट अपार्टमेंट्स कुछ पविलियंस हैं जो एक कॉन्टीन्यूस वाटर स्ट्रीम से कनेक्टेड है एंड दिस वाटर स्ट्रीम इज नोन एज स्ट्रीम ऑफ पेराडाइज और नहर बहिस्त रेड फोर्ट कम्पलेक्स की मुगल बिल्डिंग्स को इस्लामिक फीचर्स के हिसाब से बनाया गया बट देयर वॉज ऑल्सो अफ्यूजन ऑफ डिफरेंट अदर ट्रेडिशन लाइक पर्शियन ट्रेडिशन तिमुरशन ट बिल्ट बाय शाहजहां इन हेज न्यू कैपिटल सिटी ऑफ शाहजहानाबाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये है रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमपेट का सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश विंधियन माउंटेन्स के फुटहिल्स में ये सिचुएटेड है सैंडस्टोन की पहाड़ियों के बीच और डेंस फॉरेस्ट के बीच पांच क्लस्टर्स हैं नेचुरल रॉक शेल्टर्स के और इन केव के बीच में इन रॉक शेल्टर्स के बीच में कुछ पेंटिंग्स हैं और इनमें से कुछ पेंटिंग्स बिलोंग करती हैं मीजो पीरियड से और उसके बाद भी कुछ पेंटिंग्स बनाई गई जो उस टाइम के लोग इन केस में रह रहे थे इन रॉक शेल्टर्स में रह रहे थे उन्होंने कुछ पेंटिंग्स की जिससे हमें उस टाइम की सोसाइटीज उस टाइम के लोगों के बारे में पता चलता है उनकी सोसाइटी कल्चर रिलीजन के बारे में कुछ हिंट मिलता है एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इन रॉक शेल्टर्स के आसपास जो आज प्रेजेंट डे पे विलेजेस हैं उन विलेजेस का भी लिविंग स्टाइल

नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड आर्ट थर्टीन सेंचुरी के उड़ीसा के हिंदू किंगडम ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक किंग नरसिम्मा देव द फर्स्ट उन्होंने इस टेम्पल को बनवाया था इट वॉज बिल्ट इन 13th सेंचुरी

ये व्हील्स हैं इस रथ के इस रथ रूपी मंदिर के नेक्स्ट इज द वेरी फेमस ग्लोबली फेमस ताजमहल ताजमहल वी नो इट इन आगरा इन उत्तर प्रदेश यमुना नदी के किनारे पे आगरा शहर में ताजमहल सिचुएटेड है ये बनाया था शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई सोलह एडी में और ये कंप्लीट हुई सोलह एडी में ताजमहल का मेन आर्किटेक्ट उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के लिए कारीगरों को सारे इंडिया से सारे मुगल एम्पायर से और सेंट्रल एशिया से ईरान से बुलाया गया एंड ताजमहल इट इज कंसिडर टू बी द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट इन द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ये भी एक गार्डन टॉम्ब है यहाँ पे मकबरा है मुमताज महल का और शाहजहां का और ताजमहल रंग बदलता है असल में ये रंग नहीं बदलता इज ऐसा लगता है कि ताजमहल डिफरेंट शेड्स में दिख रहा है reason for that is there is a green park and there is reddish red colored pathway then there is blue sky तो so, दिन के डिफरेंट टाइम्स पे ताजमहल पे डिफरेंट शेड्स पड़ती हैं और ऐसा लगता है कि ताजमहल अपने रंग बदल रहा है दिस इज ताजमहल एंड वी कैन से दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए जो फॉरेन ट्रेवलर्स इंडिया में आते हैं उनके लिए सबसे फेमस अगर कोई स्पॉट है दैट इज ताजमहल ये था वर्ल्ड हेरिटेज साइट ताजमहल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई थिंक यू शुड नो अबाउट ताज ट्रपीजियम जोन एज वेल well. ताज ट्रपीजियम जोन क्या चीज़ है कुछ डेकेट्स पहले ये रियलाइज़ किया गया कि ताजमहल को पॉल्यूशन से आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया था उससे कुछ डैमेज हो रही है उसका पत्थर पीला पड़ रहा है एंड एज अ रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक ऑर्डर दिया एंड सुप्रीम कोर्ट ने ताज ट्रपीजियम जोन डिक्लेयर किया और दस हज़ार किलोमीटर का एरिया इसे प्रोटेक्ट कर दिया इस एरिया में कोल कोक इंडस्ट्रीज को बैन कर दिया ताज ट्रेपेजियम जोन काफी बड़ा है एज यू कैन सी द एरिया तो इसमें काफी सारे मॉन्यूमेंट्स हैं करीब 40 मॉन्यूमेंट्स ताज ट्रपेजियम जोन में हैं और ये सभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नहीं हैं बट सम ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए इस जोन के अंदर ताजमहल है आगरा फोर्ट है फतेहपुर सीकरी भी इसी जोन के अंदर है नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ला और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सिर्फ एक हिस्सा इंडिया में है टोटल 17 साइट्स जो सात कंट्रीज में है और तीन कॉन्टिनेंट में है इन सभी को एक कलेक्टिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला सो इट इज अ ट्रांसनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनमें से जो इंडिया में है दैट इज कम्प्लेक्स टू कैपिटल इन चंडीगढ़ चंडीगढ़ एक प्लान सिटी थी एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इसे प्लान करवा के बनाया था और यहीं पे कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका आर्किटेक्ट डिजाइन किया ला कर्बुजियर ने और इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है इसके अलावा नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट इन टोक्यो जापान हाउस ऑफ डॉक्टर क्रिचेट इन ला प्लाटा अर्जेंटीना यूनिटी रिहेबिटेशन इन मार्जेल ये सभी बिल्डिंग्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट के स्टैग में कवर्ड हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइट सिचुएटेड इन इंडिया और वो है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में ला कर बुजियर ने जो बिल्डिंग्स डिजाइन की इनमें तीन बिल्डिंग्स हैं तीन मॉन्यूमेंट्स हैं और एक लेक है जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है और ये सभी मॉन्यूमेंट्स है विधानसभा जो विधानसभा की बिल्डिंग है सेक्रेटेरिएट हाईकोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ओपन हैंड मोन्यूमेंट जोमेट्रिक हिल एंड टावर ऑफ शेड्यूज ये सभी मॉन्यूमेंट्स डिजाइन किए थे आर्किटेक्ट ने ओपन हैंड मॉन्यूमेंट इज अ वेरी फेमस इन चंडीगढ़। इट इज द स्टैंड टू गिव एंड टू टेक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड यूनिटी ऑफ मैन काइंड ये विधानसभा की बिल्डिंग है असेंबली बिल्डिंग है एंड दिस इज ओपन हैंड मॉन्यूमेंट अगली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जंतर मंतर और हम दिल्ली वाले जंतर मंतर की बात नहीं कर रहे वी आर टॉकिंग अबाउट द जंतर मंतर इन जयपुर जयपुर का जंतर मंतर ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है और इसे बनाया गया था एटीन सेंचुरी में करीब बीस फिक्सड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सो दीज वर डिजाइन फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एस्ट्रॉनोमिकल पोजिशन नेकेड आई सो इस तरह के बड़े फिक्स्ड एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना इट इज एन आर्किटेक्चुर मावल और ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स ये भी दिखाते हैं कि एटीन सेंचुरी में इंडिया में किस तरह का आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और साइंटिफिक स्किल था राजा जय सिंह द सेकेंड इनका काफी इंटरेस्ट था कॉस्मोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी में और इन्होंने ही इन्हीं के इनिशिएटिव पे ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स बनवाए गए जंतर मंतर बनवाया गया एंड दीज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड बेस्ट प्रिजर्व सेट ऑफ फिक्स्ड मोन्यूमेंटल इंस्ट्रूमेंट्स बिल्ट इन इंडिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ एटीन सेंचुरी ये हैं जंतर मंतर और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ये सभी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं एस्ट्रोनॉमी इट इज अ साइंस रिलेटेड टू स्पेस यूनिवर्स सेलेस्टियल बॉडीज तो इन सब की ऑब्जर्वेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं लेकिन इतने बड़े लेवल पर बनाना दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग और इसीलिए जंतर मंतर जयपुर इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेक्स्ट और लास्ट कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विक्टोरियन गौथिक एंड आर्ट डेको अन्बल्स ऑफ मुंबई 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने अपना होल्ड पक्का कर लिया इंडिया के कुछ हिस्सों पे तो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट स्टार्ट की कुछ सिटीज को डेवलप करना स्टार्ट किया और मुंबई के अंदर कुछ पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गई एंड द आर्किटेक्चर द स्टाइल दैट वाज यूज्ड दैट वाज विक्टोरियन न्यू गोथिक स्टाइल और ट्वेंटी सेंचुरी में कुछ और मॉन्यूमेंट्स कुछ और बिल्डिंग्स बनाई गई एंड द स्टाइल यूज वॉज आर्ट टेको और इनमें से कुछ बिल्डिंग्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है एंड दीज बिल्डिंग बॉम्बे हाईकोर्ट जहां पे प्रेजेंटली बॉम्बे हाईकोर्ट है राजा भाई क्लॉक टावर एरो द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई अब इसल स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग्स कैसी दिखती है यू कैन हैव अ लुक दिस इज बॉम्बे हाईकोर्ट और ये है मुंबई का राजा भाई क्लॉक टावर और ये थी सभी कल्चरल साइट नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू नेचुरल साइट तीस कल्चरल साइट हम डिस्कस कर चुके हैं तो ज्यादातर काम हमारा हो चुका है मूविंग ऑन टू द नेचुरल साइट नाउ सात नेचुरल साइट हैं और एक मिक्सड साइट है फर्स्ट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश ये नेशनल पार्क वेस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है इट्स साइज इज 90,000 थाउजेंड हेक्टेयर और इस नेशनल पार्क में कुछ ग्लेशियर्स हैं कुछ स्नोई एरियाज हैं ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं एंड मेनी हिमालयन रिवर्स दे स्टार्ट फ्रॉम देयर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी हिस्सा है एंड इट हैज मेनी फोना एंड फ्लोरा स्पीशीज और इनमें से काफ़ी सारी स्पीशीज थ्रेटन है ये है लोकेशन ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की काफ़ी हाई हिमालय में और इस एरिया में ये सभी एरिया में काफ़ी ग्लेशियर्स हैं नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, है काजीरंगा नेशनल पार्क और ये लोकेटेड है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क ईस्टर्न इंडिया के उन एरियाज में से है जो बहुत कम एरियाज अभी तक ह्यूमन प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं हुए हैं और सबसे जरूरी बात है काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वन हॉन राइनोसरस की है लाइक मेनी अदर एनिमल्स वन हॉर्न राइनो ये भी एक्सटेंट होने वाला था एंड दोबारा से एफर्ट्स किए गए और काजीरंगा नेशनल पार्क का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने का इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स प्लांट्स यहाँ पे हैं जो थ्रेटेड हैं लाइक टाइगर्स एलिफेंट्स दिस इज द वन हॉन राइनो थ्रेटन स्पीशियज के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में बैंक एग्जाम्स में एस एस सी में सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन हॉर्न राइनो ट्वेंटी सेंचुरी के एंड तक एक्सटिंक्ट होने वाला था बट एफर्ट्स वेड एंड इंडिया लेट दीज एफर्ट्स एंड अब इसकी एक डिसेंट पॉपुलेशन इंडिया में है एंड सबसे ज्यादा पॉपुलेशन काजीरंगा में है कंजर्वेशन एफर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ये हमें पता लगता है जब ऐसी स्पीशीज खत्म हो जाती हैं दिस इज सूडान एंड ये दुनिया का लास्ट वाइट राइनो था इसको कंजर्व करने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन पोचिंग के चलते इन्हें कंजर्व नहीं किया जा सका और कीनिया में 2018 में लास्ट वाइट राइनो जिसका नाम था सुडान ये ख़त्म हो गया थैंकफुली इंडिया के एनवायरमेंटल लॉज एनिमल प्रोटेक्शन लॉज काफ़ी अच्छे हैं तो इंडिया ने वन हॉर्न राइनो टाइगर और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स जो थ्रेटर्ड हैं जो खत्म होने वाले हैं उनको बचाने के अच्छे प्रयास किए हैं दिस इज वेयर काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड असम में फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम चलेंगे राजस्थान राजस्थान के केवला देव नेशनल पार्क में ये महाराजा के लिए एक डक हंटिंग रिजर्व था यहाँ पे शिकार खेलने जाया करते थे राजा महाराजा राजस्थान के और इसी वजह से यहाँ के एनिमल्स बहुत थ्रेटन थे देन इंडिया में शिकार को बैन किया गया लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए जानवरों को मारना बैन किया गया तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो मेजर विंटरिंग एरियाज से यहाँ पे आते हैं स्पेशली फ्रॉम द एरियाज लाइक अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान चाइना साइबेरिया एंड केवला देव नेशनल अभी तक 364 बर्ड स्पीशीज रिकॉर्ड की जा चुकी हैं जो केवला देव नेशनल पार्क में आई हैं ड्यूरिंग द चेंज इन सीजन एंड इनमें कुछ रेयर स्पीशीज भी इंक्लूडेड हैं लाइक द साइबेरियन क्रेन इसके अलावा और भी कुछ वर्ड्स हैं लाइक ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जो थ्रेटर्ड है और जो इस नेशनल पार्क में आके रहते हैं कुछ टाइम के लिए हर साल केवला देव नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान क्लोज टू दिल्ली क्लोज टू जयपुर और ये है हमारी एक और नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेक्स्ट इज द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इन असम नॉर्थ ईस्ट में एक रिवर है मानस रिवर उसी के आसपास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है And this is again a habitat for the rare and endangered species like tiger, greater one horned rhino, to one horn rhinoceros pe bhi hai, swamp deer, pygmy hog, Bengal Florican. Manas Wildlife Sanctuary is located here. In the north, there is Bhutan. तो इंटरनेशनल कंट्रीज इंटरनेशनल कम्युनिटीज आपस में कोऑपरेशन करती हैं और एटलीस्ट बॉर्डर्स से एनिमल्स का आना जाना बैन नहीं किया जाता और उसे फैसिलिटेट किया जाता है स्पेशली व्हेन द कंट्रीज आर फ्रेंडली लाइक इंडिया एंड भूटान इंडिया एंड बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ इंडिया एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शेयर भी करता है एंड दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ऑल्सो अ नेशनल पार्क और ये है सुंदरबंस नेशनल पार्क दस हजार स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये नेशनल पार्क कुछ इंडिया में है और इसका कुछ हिस्सा बांग्लादेश में है और ये लोकेटेड है गंगा नदी के डेल्टा में जहाँ पे गंगा नदी ओशन के साथ जाके मिलती है एंड दस नेशनल पार्क कंटेन्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट मैंग्रोव एक तरह के श्रब्स हैं छोटे पेड़ हैं जो सेलाइन वाटर में समुद्री पानी में खारे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं सभी प्लांट्स नहीं कर सकते और इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कोस्टल इकोनमी के लिए सुनामी के लिए ये एज अ डिफेंस एक्ट करते हैं तो इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं दैट इज़ वाई इन्हें कंजर्व करना बेहद इंपॉर्टेंट है सुंदरबंश नेशनल पार्क में कुछ रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हैं एंड दीज इंक्लूड टाइगर्स एक्वेटिक मैमल्स बर्ड्स रेप्टाइल्स ये काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड है तो गंगा के साथ साथ ब्रह्मपुत्रा नदी भी जहाँ पे ओशन में जाके मिलती है वहां पे भी एक कॉन्टिन्यूस मैंग्रोव फॉरेस्ट है एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस दिसरबंस नेशनल पार्क और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट में देर इज अ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स एंड दीज एम्फीबियस लाइफ दैट मीन्स ये तैर भी सकते हैं ये टाइगर्स यहाँ पे जो सुंदरबंश नेशनल पार्क में जो टाइगर्स हैं वो तैर भी सकते हैं दे आर केपेबल ऑफ स्विमिंग एज वेल

they are a good source of timber and other natural resources they support a variety of aquatic benthic and terrestrial organisms This is the location of Sundarbans National Park. इसका कुछ हिस्सा इंडिया में है और काफी ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश के अंदर है अभी रिसेंट ईयर्स में सुंदरबंस और यहाँ पे सिचुएटेड कुछ आईलैंड में इरोजन भी देखी गई है एंड दैट इज अ वरिंग थिंग कमिंग बैक टू द नॉर्थ इंडिया एंड नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी वेस्ट हिमालय में लोकेटेड है एंड देर आर अगेन मैनीशियाटिक ब्लैक बेयर स्नो लेपर्ड ब्राउन बेयर ब्लू शीप और ये है लोकेशन नंदा देवी नेशनल पार्क के इन उत्तराखंड नेक्स्ट इज आर लास्ट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये है वेस्टर्न घाट्स तो गुजरात के कुछ एरिया से स्टार्ट होते हुए इंडियन पेनसोला का सारा वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट है वर्ल्ड एट हॉटेस्ट हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एंडमिज्म का मतलब है कि कुछ स्पीश जो वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है दे आर यूनिक टू वेस्टर्न घाट्स और ये चेन ऑफ माउंटेन्स ये स्टार्ट होती है गुजरात के कुछ एरिया से और केरला तमिलनाडु कर्नाटका गोवा महाराष्ट्र ये सभी स्टेट्स में वेस्टर्न घाट्स की माउंटेन चेंज हैं और इन्हें भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया है बाय यूनेस्को द लास्ट वन एंड द ओनली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया दिस इज कंचन जोंगा नेशनल पार्क मिक्स्ड साइट का मतलब है कि ये नेचुरल साइट भी है एंड दिस इज अ कल्चरल साइट एज वेल तो इसमें नेचुरल फीचर्स होंगे दैट इज वाई दिस इज नेशनल पार्क बट इसमें कुछ कल्चरल भी होगा देर इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट to the culture ऑफ द पीपल लिविंग इन these areas खाकचनजोंगा नेशनल पार्क लोकेटेड है इंडिया की सिक्किम स्टेट में इस नेशनल पार्क में प्लेन एरियाज हैं वैलीज हैं लेक्स हैं ग्लेशियर्स हैं स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं फॉरेस्ट हैं एंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट वो है वर्ल्ड की तीसरी सबसे हाइएस्ट पीक माउंट खांगचनजोंगा एंड दैट इज वाई दिस नेशनल पार्क इज नेम्ड आफ्टर दिस माउंटेन पीक यहाँ के ग्लेशियर्स काफी फैसिनेटिंग हैं और इनमें से एक है 26 किलोमीटर लंबा जेमू ग्लेशियर और ये नेशनल पार्क और ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी स्टेट का 25 परसेंट हिस्सा कवर करता है एंड देर आर मेनी एंडेमिक रेयर एंड थ्रेटन प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इन कंक्शन जंगा नेशनल पार्क अब इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ के माउंटेन पीक्स यहाँ का लैंडस्केप यहाँ के लेक्स

और इसी के साथ आपने 38 एट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिस्कस की उन्हें देखा एंड आई होप कुछ टाइम तक आपको याद रहेंगी इसको रिवाइज करने की जरूरत जरूर पड़ेगी सो यू कैन रिवाइज दिस यू कैन मेक नोट्स आउट ऑफ दिस एंड इफ यू थिंक इस वीडियो से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ हेल्प हुई है डोंट फर्गेट टू प्रेस द लाइक बटन यू कैन विजिट द लॉन्च पैड एजुकेशन यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स लाइक ऑल द स्कीम्स फॉर वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड इम्पॉर्टेंट केसेज फॉर प्वालिटी एंड मैनीडियोज और कुछ प्ले लिस्ट में वीडियोज को ऑर्गेनाइज किया गया है फॉर प्वालिटी फॉर सिक्योरिटी फॉर इंटरनेशनल सो दैट आपके लिए स्क्रोल करना ईजी रहे तो ये थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इफ यू विश टू डाउनलोड द पी डी एफ ऑफ दिस वीडियो द लिंक ऑफ द लॉन्च पैड एजुकेशन टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम देयर ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे